नमस्कार। झारखंड CMMSS अर्थात मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति जो इस वर्ष पहली बार आयोजित की गई थी, इस परीक्षा में सोशल साइंस के अंतर्गत 30 प्रश्न दिए गए थे। उन 30 प्रश्नों का हल या उत्तर इस वीडियो में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इस प्रश्न पत्र में सोशल साइंस के प्रश्न शुरू होते हैं प्रश्न संख्या 121 से। तो इसका पहला प्रश्न, 121वां नंबर प्रश्न है, वो है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 122, गांधी जी चंपारण किस लिए गए थे? आपने इतिहास में पढ़ा है गांधी जी चंपारण गए थे तो किस लिए गए थे? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा पहला नंबर, चंपारण में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा देखने के लिए। प्रश्न संख्या 123, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, यहां जाफर हो गया है जफर। प्रश्न संख्या 124, किस प्रकार बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ? आप जानते हैं कि झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया है और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है कि यह आंदोलन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्यों? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो ये दूसरा नंबर ऑप्शन, उन्होंने साबित किया कि जनजाति लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन निर्णय ब्रिटिश द्वारा लिया गया? पहला है सती प्रथा के विरुद्ध नियम बनाना, दूसरा है वे विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, तीसरा है सक्रिय रूप से अंग्रेजी शिक्षा को प्रोन्नत किया, और चौथा है इनमें से सभी। तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर होगा ये सभी, यानी इनमें से सभी, चौथा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 126, दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? आप जानते हैं कि पहले राजधानी थी कोलकाता, इसके बाद इसे दिल्ली बनाया गया राजधानी को, तो ये कब बनाया गया? तो इसका आंसर है 1911 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 127, पुर्तगाली सर्वप्रथम क्या खोजने के लिए भारत आए थे? तो हमारा देश सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था मसालों के लिए, तो पुर्तगाली भी मसाले की ही खोज में भारत आए थे। किनके अनुसार अंग्रेजी की शिक्षा भारतीयों को दास बनाया है? तो ये थे हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 129, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने।
टीपू सुल्तान किस युद्ध में पराजित हुआ? तो यहां भी चार ऑप्शन है, मैसूर, पलासी, बक्सर और श्रीरंगपट्टनम। तो हमारा आंसर है श्रीरंगपट्टनम। मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चितरंजन दास या सरोजनी नायडू? तो ये हमारा इस प्रश्न में आंसर है बाल गंगाधर तिलक। एक सौ बत्तीस नंबर प्रश्न, संख्या 132। ब्रिटिश द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। प्रश्न संख्या 133। विश्व की सबसे बड़ी बस्ती जिसको स्लम एरिया भी कहते हैं, धारावी कहाँ स्थित है? तो आपने फिल्मों में भी देखा था, ये धारावी है मुंबई में। पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का कारण है। हम जानते हैं कि जो संसाधन है पृथ्वी में, इनका वितरण समान नहीं है। तो इसके लिए कौन सी स्थिति जिम्मेवार है? तो ये है विभिन्न प्राकृतिक दशाएं। हम जानते हैं कि पृथ्वी में हर जगह की प्राकृतिक दशाएं अलग होती हैं, और यही निर्णय करता है कि वहां पर कौन से संसाधन होंगे। निम्न में से किस राज्य में इस्पात के कुछ प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं? तो यह हमारा राज्य झारखंड है। कोयला से उत्पादित होने वाली बिजली का नाम क्या है? हम जानते हैं कि ये पतरातू में भी बिजली बनता है, तो ये कोयले से उत्पादित होता है और इसे हम कहते हैं तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर। प्रश्न संख्या 137। अंगूर की कृषि को कहा जाता है, तो अंगूर की कृषि का जो विज्ञान है उसे कहते हैं विटिकल्चर। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? आप जानते हैं कि भोपाल में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी गैस की, गैस लीक किया था। तो ये हुआ था 2 दिसंबर 1984 को। प्रश्न संख्या 139। निम्न में से किसे परम संसाधन कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा संसाधन है जिसे परम का संज्ञा दिया गया है? तो वह है मानव संसाधन, क्योंकि यही संसाधन, मानव संसाधन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सारे संसाधन हो और मानव संसाधन नहीं हो तो उत्पादन नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 140। त्रिस्तरीय शासन है, त्रिस्तरीय शासन कहते हैं हम पंचायती राज को। प्रश्न संख्या 141, ये बहुत आसान सवाल है, आप सभी जानते हैं, भारत के संविधान के जनक है, यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 142। हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? तो यह है लोकसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये यहां स्पीकर होता है। प्रश्न संख्या 144। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या निर्धारित करता है?
पहला है पारिवारिक संपत्ति में लड़के लड़कियां तथा उनकी मां बराबर के हिस्सेदार है, दूसरा केवल लड़के संपत्ति के हकदार है, तीसरा केवल लड़के तथा लड़कियां संपत्ति के हकदार है, और चौथा केवल लड़के तथा मां संपत्ति के हकदार है। तो ये हमारा आंसर है पहला नंबर, पारिवारिक संपत्ति में लड़के लड़कियां तथा उनकी मां बराबर के हिस्सेदार होते हैं। प्रश्न संख्या 145। हमारे संविधान का शीर्षस्थ व्याख्याता कौन है? तो ये है हमारी न्यायपालिका। वह व्यक्ति जिन्हें न्यायालय में सर्वप्रथम क्या देखा, सुना अथवा जाना के ब्यौरे देने हेतु बुलाया जाता है कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी केस होता है तो उसमें गवाही होती है, तो जिन्हें बुलाया जाता है उसे कहते हैं गवाह या साक्षी, जो ये बतलाते हैं कि उन्होंने क्या देखा था, क्या सुना था, क्या जाना था। प्रश्न संख्या 147। सामाजिक वातावरण में सीमांतकरण का कारण है? तो इसमें है पहला ऑप्शन विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये इनमें से कोई नहीं है। एक सौ अड़तालीस। जल जनित बीमारी से बचाव के लिए शुद्ध पेयजल के अलावा और कौन सी सुविधा होनी चाहिए? तो ये बड़ा साधारण सवाल है, अच्छी तरह हम जानते हैं कि हमें शुद्ध पेयजल के साथ साथ हमें क्या और चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। किसी फैक्ट्री में काम करने वाला 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या पद प्रयुक्त होता है? तो हम सभी जानते हैं छोटे बच्चों से अगर हम काम कराते हैं तो वो बाल श्रमिक कहलाता है। प्रश्न संख्या 150। हमारा संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम करने के लिए रोक लगाता है, यह किस मौलिक अधिकार में उल्लिखित है? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांविधानिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो हमारा आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आशा है कि इस प्रश्न पत्र से जो आगे के वर्षों में विभिन्न स्कॉलरशिप परीक्षाएं देने वाले हैं उनके लिए काफी सुविधाजनक होगा। धन्यवाद।